99 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। मध्य प्रदेश 2018 विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं और उसी के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की ताजपोशी हो चुकी है और कांग्रेस की सरकार के आलाकमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल के 28 सिपाह सालार भी जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो तैयार हो चुके हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के 28 सिपाह सालारों की पृष्ठभूमि के बारे में। वन विभाग मंत्री उमंग सिंघार का जन्म 23 जनवरी 1974 को धार जिले में हुआ। स्वर्गीय श्री दयाराम सिंघार के पुत्र उमंग सिंघार ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री सिंघार की खेल, संगीत व टीवी शो में विशेष रुचि है। सिंघार वर्ष 2008 में प्रथम बार गंदवानी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन में गंदवानी विधानसभा क्षेत्र से ही दूसरी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उमंग सिंघार ने 25 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आप खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।